आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आज की मीठी बात जुड़ी है गेहूं को लेकर। देश भर में इस वक्त गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है, ऐसे में किसानों के सामने गेहूं को सुरक्षित स्टोर करने की समस्या रहती है। अगर आप गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर का कहना है कि अनाज को अच्छी तरीके से सुखाकर ही रखना चाहिए और यह ध्यान रहे कि जहां हम ज्यादा दिनों के लिए अपने अनाज को रख रहे हैं वह जमीन नमी युक्त ना हो और अनाज को समय समय पर देखते रहे। अगर कुछ समस्या महसूस हो तो तुरंत एक बार धूप में सुखा दे। उन्होंने बताया कि जिस ड्रम में गेहूं को रख रहे हैं वो पूरी तरह साफ हो, क्योंकि नमी होने से अनाज जल्दी खराब होने का खतरा होता है। वहीं टीन के बड़े डब्बों से लेकर बड़े कमरों में इसे स्टोर किया जा सकता है। वहीं सल्फोज नाम की गोली को डालकर अच्छे से अनाज को सील कर देना चाहिए, क्योंकि सल्फोज की गोली में गैस होती है। इससे गेहूं कई सालों तक सुरक्षित रहेगी और कीड़े नहीं लगेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर बताते हैं कि स्टॉक करने के लिए जिन बोरियों का इस्तेमाल करते हैं सही तो यही है कि किसान हर बार नई बोरियों का इस्तेमाल करे, लेकिन अगर पुरानी है तो आप उनको अच्छी तरह से पलटकर धूप में सुखा लें। इसके अलावा आप 5% नीम के घोल में डालकर सुखा दें। तोमर ने आगे कहा कि गेहूं की बोरियों को खाने पीने के सामानों से दूर ही रखना चाहिए। अगर किसान इन बातों का ध्यान रखते हैं तो उनका अनाज कभी भी खराब नहीं होगा। खेती किसानी की ऐसी ही अच्छी और कामयाब खबरों के लिए आप सुनते रहिए हमारा डेली पॉडकास्ट गुड़ की डली।